हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और आज है हमारे बजरंगबली का दिन, जो कि है मंगलवार। और आज हम लोगों ने सोचा था प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो प्रसाद तो हम लोग कल ही लेके आ गए थे, लेकिन चढ़ाने जाना होगा आज। तो आपको प्रसाद, चलिए अभी वही मंदिर में दिखाएंगे आपको प्रसाद। और बस आज उठने में देर हो गई थी, 7:30 बजे हम लोग सो के उठे हैं, और आज काम वाली आंटी हमारी नहीं आई हैं, तो उसके चक्कर में और ही देर हो गई। तो फटाफट तैयार हो गए हम, और क्या ही बताएं। आइए आइए। ओ मैडम, हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज ट्यूजडे है इसलिए जय श्री राम। जय श्री राम, जय बजरंग बली वाला नहीं, जय श्री राम। जब वो हुआ था ना कोविड में, जब नहीं एक दिन बाद दिया जलाया गया था, हम तो लोग जब छत को पे इतने तेज तेज छत चिल्लाए में थे। इतने तेज चिल्लाए थे, पूरा आदर्श नगर में पहले कोई नहीं बोल रहा था, बस दीपक जलाए थे। हम लोग छत पे गए, एकदम जोश आ गया, जो चिल्ला जय श्री राम। और उसके बाद पूरे मोहल्ले में इतना अच्छा लग रहा था, मजा ही आ गई सब लोग थी। चिल्लाने लगे मतलब जय कम श्री से राम। कम 15-20 मिनट, आधे घंटे तक एकदम मजा ही आ गई थी, जोश में एकदम जय श्री राम। तो हम लोग अभी रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं। जल्दी से लंच जो है पैक कर लेते हैं, फिर निकलते हैं और आपसे मिलते हैं अभी रास्ते में अपने प्रसाद के साथ। मैंने शेविंग भी करवा ली है, अरे बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी, बाबा लग रहे थे हम, क्या ही बताएं। चलते हैं, अभी मिलते हैं आपसे रास्ते में, और हनुमान जी के दिखाते हैं आपको हमारे बजरंगबली की फोटो। तो हम लोग निकल गए हैं जल्दी से, फास्ट फास्ट भागते भागते। और सर सोचा था आज बहुत बढ़िया मौसम है, पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, एकदम धूप निकल आई है गंदी वाली। धूप है भयंकर वाली, एक तो धूप, ऊपर से यहाँ की रोड, हम लोग पूरा झूला झूलते हुए जाते हैं। माशाअल्लाह। ये एक मंदिर था जो हमारे घर के पास है, जिसमें भी हम लोग कभी कभी चले जाते हैं, पर बहुत कम जा पाते हैं। तब तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे सीतापुर में, जगह है नेपालापुर। तो नेपालापुर में है हनुमान जी का मंदिर, जो कि हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग वहीं पे जा रहे हैं अभी प्रसाद लगाने के लिए, भगवान जी का आशीर्वाद लेने के लिए, कि आपका बहुत बहुत थैंक यू इतना सब कुछ देने के लिए। सबको थैंक यू बोलना चाहिए भगवान जी को, हमेशा पूरे दिन में बहुत बार। मम्मी भी बताती है बार बार कि थैंक यू बोलना चाहिए। जब भी सुबह उठो, कम से कम भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने हमें इतना बढ़िया एक नया दिन दिया है, एक नई शुरुआत के लिए, एक अच्छे काम के लिए। आज जो प्रिपरेशन कर रहा है उनको भी भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहिए खास करके कि तूने इनको हमने कल नया करके सीखा, आज फिर उससे ज्यादा सीखें, इस काबिल बनाया है कि हम उतना पढ़ पा रहे हैं, है ना। yes. तो चलिए जल्दी से मंदिर चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। एक पता नहीं गाड़ी में कहाँ से एक मक्खी है, पूरा दिन परेशान करती है हमको। ये देखिए मंदिर पहुँच गए हैं, उतर रहे हैं, और ये रहा हमारा मंदिर। तो अभी जल्दी से हम भी उतरते हैं और अपने मंदिर पहुँचते हैं। हम लोग की पूजा हो गई है और भगवान जी के मस्त दर्शन हो गए, भीड़ भी नहीं थी बिल्कुल भी, और प्रसाद भी लग चुका है जो भी आपको दिखाते हैं। टेस्टी टेस्टी लड्डू, ये है झींगा लाला का लड्डू। तो गाइज आप भी ले लीजिए लड्डू प्रसाद के, इसमें से कुछ लड्डू गायब हो चुके हैं क्योंकि वो मैंने ना लंच में रख लिया है सबको देने के लिए। तो अब चलते हैं हम ब्रांच की तरफ, और ये हमारा बहुत छोटू सा व्लॉग था केवल भगवान जी के लिए और उनके दर्शन के लिए। गणेश जी देखो। हमारे गणेश जी हैं, उनके लिए भी आज फाइनली माला ले ली गई है, क्योंकि रोज में मिल ही नहीं पाती है, मंदिर आई है तो मिल जाती है। तो हमारे गणेश जी भी एकदम मस्त हो गए हैं तैयार, और हम लोग देखिए रोड पे हैं, निकल रहे हैं। यहाँ की रोड बहुत खराब है, पूरा उछल उछल की वीडियो बन रही है। तो आई होप आपको हमारा ये छोटू सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, जिसमें आप लोगों को भी भगवान के दर्शन करने को मिले। तो अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं ब्रांच, और ब्रांच में करके जाके ढेर सारा काम करना है, क्लोजिंग चल रही है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट रात के लिए है, अभी तो खैर सुबह हो रही है।
आप लोग रात को हमारा ब्लॉग देखेंगे, इसलिए गुड नाइट, बाय की, जय श्री राम।